अरे भाई साहब दिखाइए, ये वाला पार्ट इसे है ना, कोई रस्से से बांध। हाँ ये तो मुड़ गया, इसके अंदर से पेंच होता है ना, मुड़ गया। मेडिकल मिल जाएगा। है भाई, मेन चीज है भाई, ये देख रहे हो भाई, निशान देख रहे हो। अरे वो तो भारी लगेगा ही ना, स्मूथ है ना। वेलकम बैक वन आर्मी। आज का यार ये सीन है कि मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ पार्ट 3 की, जो कि है टीरी राइट की। एंड यार पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आप लोगों की तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल मत भूलना। नए लोगों को बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। ये वीडियो जो है यार ये लास्ट पार्ट होने वाली है हमारे टिहरी ब्लॉग का, एंड इसके बाद जो है मैं देहरादून टू जम्मू अपलोड कर सकता हूँ, या तो मेरे पास एक दो और ब्लॉग्स पड़े हैं वो अपलोड कर दूंगा। बट जो भी यार पुराने ब्लॉग्स ही आएंगे, क्योंकि यार अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है एंड कोरोना का टाइम चल रहा है। आई होप आप लोग सही होंगे, आप लोगों के परिवार सलामत होंगे, एंड मैं दुआ करूंगा यार भगवान से कि यार सब कुछ सही रहे आप लोगों के परिवारों में, क्योंकि यार आजकल ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। तो सब थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव मत रखो, अपने आप को पॉजिटिव करो और थोड़ा शांति रखो अपने अंदर, पीस रखो, पेशेंस रखो, सब सही हो जाएगा। और मेरा सेटअप देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि यार मैं अभी जम्मू कश्मीर में हूँ, और मेरे को ऑलमोस्ट यार एक महीना हो गया होगा जम्मू कश्मीर आए हुए। तो लास्ट की 3 या 4 वीडियो जो मैंने डाल रखी होंगी वो जम्मू कश्मीर से ही आई हैं। तो यार मैंने एक चीज़ सोची है कि जो वीडियोज़ होंगी अब हफ्ते में 2 बार अपलोड होंगी, एक सैटरडे को अपलोड होगी और एक वेडनेसडे को, और दोनों टाइम पे यार सुबह सुबह अपलोड कर दिया करूँगा, 3 बजे से पहले अपलोड कर दिया करूँगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ी आसानी भी हो जाएगी आप लोगों को, जब भी आपको देखना होगा कि यार वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं हुई, तो वेडनेसडे को आप जाके देख लो, नई वीडियो आ जाएगी, या सैटरडे को जाके देख लो तो नई वीडियो आ जाएगी। एंड वीडियोस बंद नहीं होंगी, लगातार आती रहेंगी, हर हफ्ते 2-2 वीडियोस आएंगी। जितना मुझे प्यार मिल रहा ना आप लोगों से, इतना बढ़िया ऑडियंस मुझे लगता नहीं मुझे कहीं और मिलेगी। तो थैंक यू एवरीवन। और कमेंट सेक्शन देखे तो भाई क्या बताऊँ, मतलब कमेंट सेक्शन देखे तो इतना मज़ा आ जाता है ना। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा यार, जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, भाई पूरा क्लीन शेव कर चुका हूँ, क्लीन भी नहीं ऑलमोस्ट शेव कर ही चुका हूँ पूरा। तो भाई लॉकडाउन में ऐसी हालत हो गई, भाई दाढ़ी के बिना ही बेटर रहता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इस वीडियो में क्या हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत तगड़ी चीज़ें हुई है, अच्छी चीज़ें भी हुई और बुरी चीज़ें भी हुई। अच्छी ये कि हम लोगों ने राइड करी और बहुत मज़ा आया हम लोग को राइड करने के अंदर, क्योंकि जो हमारा स्क्वाड था भाई अलग ही लेवल का स्क्वाड था। और ख़राब चीज़ हमारे साथ ये हुई कि हमारे साथ जो एक राइडर था भाई, अनफॉर्चुनेटली उसको क्रैश हो गया, एंड उतना बड़ा क्रैश भी नहीं था, मतलब नॉर्मल क्रैश था। एंड ये गलती किस चीज़ की थी, जो रोड पर था, रोड पे बहुत ज़्यादा फिसलन थी, उस चक्कर में यार उनकी बाइक स्लिप हो जाती है, जिसके कारण बाइक का जो राइट वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। तो वो आप वीडियो के आगे देखिए, आपको वीडियो प्रॉपरली देखेंगे तो यार ढंग से समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है क्लियरली। और साथ साथ में यार मैं अभी तो जैसे बात कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने गोप्रो में बात कर रखी है। जो लोग नए हैं भाई, मेरा नाम करण है एंड मैं मोटो ब्लॉगर, तो थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ वीडियो के, बट जान लो भाई मेरा नाम करण है, मैं मोटो ब्लॉगर हूँ, और मैं यार देहरादून में अभी तक वीडियोस बनाता था, और आगे शायद से जम्मू में बनाऊंगा, और कभी मौका मिला तो वापस देहरादून जाके बना लूँगा। तो देहरादून और जम्मू का कॉम्बिनेशन वीडियोस बनने वाली है, और जितने भी ब्यूटीफुल प्लेसेज या बढ़िया जगह हैं तो हम लोग राइडर्स लोग जितने भी आपको दिखाएंगे भाई वहाँ पे। एंड लेट्स होप आगे की जर्नी हमारी बढ़िया रहे, क्योंकि अभी 50K का टारगेट मेरे को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारी सब्सक्राइबर आर्मी जो होगी 100K का टारगेट रीच करेगी। आगे आप खुद देख लो कि क्या हुआ वीडियो में, बाकी तो हम लोगों की इतनी गलती थी नहीं, मुझे लगता है रोड की गलती थी क्योंकि भाई बहुत फिसलन थी, मैंने भी बहुत आराम से चलाने की कोशिश की। हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए था कि रोड पर फिसलन कितनी ज़्यादा है। पहले भी रोड थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी सबके, सिर्फ मतलब मेरे नहीं, सबके ही टायर्स हो रहे थे स्लिप हो रहे थे। अगर पिछले की वीडियोस नहीं देख लिया पहले वो देख लो, सबके ही टायर्स स्किट हो रहे थे। तो इस वीडियो में क्या है, जब हम वापस आ रहे होते टिहरी से, हमारे दिमाग से निकल जाता है कि यार नरेंद्र नगर पे उस रोड पे टायर सॉरी रोड बहुत स्लिपरी है, हमारे बिल्कुल माइंड से निकल जाता है। एंड में आप लोग देख ही सकते हो कि क्या हो गया, थोड़ी सी बाइक फिसल जाती है और क्रैश हो जाता है हमारा नहीं मतलब बाकी जो हमारे साथ राइडर थे उनका। एंड आप लोग बाकी की वीडियो देख लो, आई होप पसंद आएगी। तो बस यही कहना था, आप लोग वीडियो देख लो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का, बस थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरे को करने में बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ। तो यार आपके बाकी के डाउट्स वगैरह भी होंगे तो कमेंट सेक्शन में देख लूँगा। तो अब मिलते हैं, सीधा गोप्रो ऑन करता हूँ मैं। अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, एंड सीन क्या है कि जो नीचे देख रहे हो आप लोग, ये देखो मैंने ना क्वायर लगा रखी है चार्जर वाली, वैसे लीन मारते टाइम ना फंसना जाए मेरे इसमें। तो भाई चलो हम निकलते हैं, आप तो ला रहे हमारी गाड़ी बसंती, चलाओ चलो। गई कहाँ?
तो भाई हम लोग रास्ता भटक चुके हैं यहाँ पे। हमें पता नहीं यहाँ जाना कि वहाँ जाना, बोर्ड पे भी ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई वही वाला होगा, सभी वहीं जा रहे। कीड़े बहुत जा रहे भाई आंखों में आज। मेरा भी सिर दर्द है ना, हो रहा है ना भाई। तुम्हारा जैकेट कहाँ गया? सही है यार, ये बढ़िया है। क्रूज कंट्रोल भी है क्या? नहीं नहीं भाई, सुपर बाइक थोड़ी है भाई, तो इतना भी नहीं दे रहे यार 3.5 में। अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट टिहरी के बाहर। हाँ, दोनों साइड्स, लेफ्ट ज़्यादा हो रहा है, इस साइड ज़्यादा हो रहा है ना। माइग्रेन नहीं है ये, है ना। धूप और हेलमेट जब हम बंद करते हैं तो गर्मी अंदर फंस जाती है ना, तो उससे। तो भाई हम लोगों ने बड़ा सर में दर्द हो रहा अभी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और हेलमेट में हमारी इतनी टाइट हेलमेट रहती है कि बहुत ज़्यादा सर ना पेन करने लग जाता है आपका। चले तो भाई, अब सीन है कि पेट्रोल हमारा लास्ट पॉइंट है, हम भरवा रहे हैं सबके सब या जितने भी जिनको भरवाना है। एंड हम लोग अब थोड़ा सा 1-2 मिनट का रेस्ट लेके अब निकल रहे हैं यहाँ से, एंड डायरेक्टली अब सीधा हम निकलेंगे नरेंद्र नगर से। देखते हैं अगर मन हुआ कहीं रुक के खाना वाना भी खाएंगे। चलते हैं। अच्छा, चोट तो नहीं लगी ना? चोट नहीं लगी, दिखाना। अरे को मेरे पास फर्स्ट एड किट पड़ी है। भाई उठना है आपको, 3 इंजेक्शन लगा रहे सेंसर ब्रेक लाइट में। अरे इधर आओ ना, इधर आओ। नीचे लगी है, उसमें अंदर लगी है। यहाँ पे 20 किलोमीटर पे ना भैया, नीचे मेडिकल मिल जाएगा, है भाई। क्या है ये? देखो ना, जेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स, ठीक है। अरे मेरे को इसके अंदर मिला ना ये। हो जाएगा, टेंशन नहीं, सही हो जाएगा ये। एक काम करो, बैंडेड लगा लो इसके ऊपर ना। फिटनेस का लगवा लेना। और लगाना तो पड़ेगा। रुको, ये लगा लो इसके ऊपर। चक्कर में मत रहना, बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। एक चक्कर में मतलब एक लगवा लिया फिर सोचते हैं कि 6 महीने तक छुट्टी, 1 साल तक। ये तो कुछ और ही लगवाने से कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? अभी एक ही लगवाना है ना। हां, वो एक ही लगेगा, वो सिंगल शॉट रहता है ना। ये भी टूट के गिरे हैं। जो माउंट था ये भी देख, यहीं से बड़े होंगे भाई। ये क्या देखे हो? तेरे को पता होगा, डॉक्टर है तू। बहुत बढ़िया चलता है, बच गया। मैंने मिरर में देखा था, ऐसे पूरी लेट गई थी गाड़ी इधर से आए थे गिरते गिरते क्या? मैंने सोचा कि ये वाली रोड है ना मेन, सही वाली जो रोड है। भयंकर। आपने रिकॉर्ड किया क्या भैया? रिकॉर्ड मेरा तो कैमरा मेरे पास था ही नहीं भैया के पास था। देखा मैंने पूरा ऐसे गिरते हुए कि किस तरीके से पिछला कंट्रोल हो गई थी। मैंने सोचा ये वाली रोड है या इसको भैया। अमाउंट
अरे भाई साहब दिखाइए ये वाला पार्ट इसे है ना, कोई रस्से से बांध के पूरा इंपैक्ट इसी पे आया ना, अरे मतलब ये कैसे होगा, बट ब्रेक तो ये तो चलेगी नहीं, इसको यहाँ लगा दो ना, ना ना भाई ये फिर लिख सकते हैं टायर टायर में, स्प्रिंग लगा सकते कहीं जाएगा नहीं वो, अरे स्प्रिंग को अटका के रख दो ना इधर कहीं पे, ये ठीक है गिर गया तेरा भाई, तुमने टायर का नुक हो जब तुमने उसको दबाया ऑफ था, नहीं नहीं अभी निकलेगा, सॉरी इसमें भी लगी ना ये तो, हाँ ये तो मुड़ गया, इसके अंदर से पेंच होता है ना, मुड़ गया ना, ये भी गया, मेन चीज है भाई ये देख रहे हो, रिकॉर्ड हुआ किसी का, रिकॉर्ड नहीं हुआ ना मेरा तो उनके पास था, और मेरे दिमाग में पता तब से क्या चल रहा था कि यार कैमरा मैं ही लगा लेता, मैं ही लगा लेता, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, पीछे था तो वो होगा रिकॉर्ड, उसका बंद था शायद यार, अरे वही तो मेरा, मैं भी कंफ्यूज हूं भाई, निशान देख रहे हो, अरे वो टूट गया ब्रेक पैड, और वो यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं मिलता कोई, फिर से तेरे को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये अभी हुआ है पहले, अभी क्या है ये पुराने आगे की ब्रेक पे जाएगी, यहाँ पर रखना होगा, आगे की ब्रेक तो चल रही है, करो मेरा भाई कोई चलाओ, मैं ये चला एग्जॉस्ट क्या थोड़ी कम नहीं हो गई वो सोच रहे कि मेरा पैर यहाँ पर रखे, तो पैर रखने के लिए भी तो जगह नहीं ना, रखेंगे कहाँ पे, मुझे आवाज आ गई थी, मैं पीछे से कोई भगाता आ रहा इंडिया का, चलो अच्छा ग्लव्स पहन रखा था भैया ने, मेन बात है बज गए, बजाज है शायद यहाँ पे, एक बार पूछ लेगा जरूर, लग जाएगा बेकार हो जाएगा, ये देखना ये बंदा ये भी लाइन से बाहर निकल गया, ये क्या, अरे ग्रिप है ही नहीं इसमें, ग्रिप है ही नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा भी ग्रिप नहीं है इसमें, वही भाई साथ भी इतनी फिसल रही है जैसे पता नहीं क्या, देखो चमक रहा है एकदम यार, हम उधर चलते हैं, आप पैर का लटका रहे हो, अरे वो तो भारी लगेगा ही ना, स्मूथ है ना, घूम रहा ना स्मूथ, हटना उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं, अरे उल्टा क्यों घुमा रहे हो सीधा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो सही चल रहा है, वो छोड़ा पैर रखोगे काम पे, पे नहीं आया भाई, रखने का ये है कि मेरे को यहाँ पे कहीं फंसाना पड़ेगा, ये तो मैं ही चला लूंगा, चला लेगा तू, तेरे को चोट भी लगी है भाई, आप इस पे रख सकते हो, इस पे रखना नहीं रखा जा रहा, अरे ऐसा है नहीं नहीं, अंदर का इंडिकेटर बाहर निकल, इसके अंदर फंसा लो ना, आप रेसिंग बूट जो है इसके अंदर फंसा लो ना ऐसे करके, वो अरे नहीं घुटना ऊपर आ रहा ना, ये यहां यहां पे रखा जा रहा है पैर, इस जगह पे मैं बोलो सबसे अच्छा कहां रखना है, आराम से जाना है ना, तो मैं लेके जा रहा हूँ, बहुत आराम से जाना पड़ेगा, आगे का टायर एकदम और फिसलेगा, अब देखो क्या करना है, उनकी गलती नहीं है वैसे, तो जो रोड है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही है आज, जो नॉर्मल रोड है नॉर्मल रोड पे उतनी दिक्कत नहीं आ रही, बट पहले भी हम लोगों को बहुत वॉबुल हुआ था इस रोड पे, तो इस रोड में कुछ दिक्कत आ रही है भाई, तो अब आराम आराम से नीचे जाने वाले हैं, बाकी तो यार
आराम से चलते हैं और क्या यार। खाना वाना सब हो चुका है कंप्लीट एंड अब हम निकलेंगे घर की तरफ। एंड बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्यों पीयूष भैया? नींद बहुत तगड़ी आ रही है भाई। एंड एक और प्रिकॉशन है आप लोगों के लिए, अगर आप कभी भी नरेंद्र नगर आते तो भाई आराम से चलाना, क्योंकि आगे जाके रोड बहुत ही बेकार है। आगरा ताल के बाद आप फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आराम से सब उठा लिया था ना, भाग बंद है मेरा, देखना भैया। तो भाई चलते हैं अब घर की तरफ, बहुत ज़्यादा ही थकावट हो रही है यार।